An Academy. It's common sense that any evidence जो actual incident के साथ जुड़ा हुआ है, that carries maximum weight. Let's take an example. Suppose A has murdered B. Whatever A did, whatever A was saying, B को बोल रहा है, मेरी तेरे बड़े सालों से दुश्मनी थी, आज मौका है तू मेरे हाथ आया और आज मैं तुझे गोली मार रहा हूं. B जो उस टाइम कह रहा है, B was beseeching, entreating A, please don't kill me, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया. All these acts, all these words, all these become part of the transaction. तो एक तो हो गया parties का transaction, जो लोग उस मामले में जुड़े हुए हैं. But जब A B का murder कर रहा था, शोर हुआ, शोर सुनने से बहुत सारे लोग भागे आए और अब उन्होंने ए को पकड़ने की कोशिश की. ए ने उनके मुक्का मारा, चोट लग गई, बट देवर पार्ट ऑफ. नाउ दोज हु वर नॉट अ पार्ट ऑफ ए और बी की लड़ाई, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ट्रांजैक्शन में वही लोग इन्वॉल्व हों जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि पार्टी. Sometimes बाकी लोग आ जाते हैं. अब वो उस टाइम बोल रहे हैं ए मत मारो, ए को पकड़ने की कोशिश की, ए ने मारा, ये सारा अब ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया. सो प्लीज रिमेंबर, ट्रांजैक्शन के अंदर नॉट ओनली पार्टीज इन्वॉल्व होती है, वो लोग जो मेन मुद्दे से, मेन मैटर से जुड़े नहीं होते, वो लोग भी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाते हैं. Now, question arises कि जो ट्रांजैक्शन है वही तो मेन चीज है, बाकी चीजें तो जुड़ जाएंगी. सो दैट इज वाई द ट्रांजैक्शन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस. गुड इवनिंग शशांक. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन सा हो गया? नेचुरली जो ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो मौका था. तभी हम कहते हैं ना, हम पुलिस में क्या बोलते हैं, जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो हमारे को एकेडमी में सिखाते थे और बोलते थे कि मौका बोलता है, मौके पे सारा कुछ मिलता है आपको. और ये फैक्ट है कि जो आपका इंसिडेंट होता है वही सब बहुत कुछ हमें बता देता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फाइंड दैट ऑल दोज हु बिकम अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, देयर एविडेंस कैरीज मैक्सिमम वेट. तो हु हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट? द पार्टीज एंड the bystanders, the onlookers, जो शोर सुनने से आ गए, जो A और B के झगड़े में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे पर हो गए. सो प्लीज रिमेंबर, दिस वर्ड ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्चुअल अकरेंस. हु ऑल आर कनेक्टेड विद दिस अकरेंस? द पार्टीज एंड दोज हु केम आफ्टर हियरिंग द कमोशन. एनीथिंग सेड और डन बाय देम is a part of the transaction. Good evening, Bhavna. तो वो सारे अब एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गए. अब हम वर्ड एक करेंगे यूज जो सेक्शन 6 में नहीं हुआ बट nevertheless बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेस जस्टी. सी, जो वर्ड रेस जस्टी है वो इंग्लिश लॉ का ओरिजिन है. Res gesti is a Latin term, जिसका मतलब होता है things done. Res gesti is a rule of evidence. You know, इसका origin हुआ था somewhere about 1610 से लेकर 1620 तक. Good evening, Jaspreet. Basically, res gesti में क्या आता है? Anything said, done. Exclamation, conduct, जो कुछ भी हुआ है ट्रांजैक्शन में, all that becomes a part of res gesti. Good evening, Satyam. So please remember, ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा होता है? A और B आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, खून बह रहा है, लोग आ गए, लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गोली चल रही है, जो accused है वो पिटाई कर रहा है लोगों की. All this,
So please remember all conducts, all acts of the parties, all exclamations or acts of those people who were actually not connected with the enmity of A and B. वो सारे चाहे ना चाहते हुए भी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गए. In other words, they become a part of res justi. I hope आप सबको ये अभी तक समझ आ गया होगा कि res justi का मतलब क्या होता है. अब यू नो एक चीज हम देखें कि res justi ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के इमीडिएट बाद कुछ होता है. You know, I'll tell you, there is a very important case of R versus Bedingfield. ये एक बहुत पुराना हमारा केस है. ये this case is English law का केस है 1879 का. इस केस में क्या हुआ था, एक लेडी थी उसका गला काट दिया हैरी नाम के आदमी ने. लड़की अपना गला पकड़ के कमरे से बाहर गई और बाकी लोग बैठे थे वहां, एक होटल टाइप था. तो वहां उसने जाके बोला हैरी ने मारा और वो मर गई. नाउ यू नो जज कॉकबर्न थे, उन्होंने कहा नहीं ये रेस जस्टी का पार्ट नहीं है. क्यों? उन्होंने कहा ये स्पॉन्टेनियस नहीं है. अगर जब उसका गला काट रहे थे तब वो चिल्लाती हैरी ने मेरा गला काट दिया तो रेस जस्टी था. अब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, अब ये कंटेम्परेनस नहीं है, अब ये इमीडिएट नहीं है. इसको सोचने का वक्त मिल गया, इसको फैब्रिकेट करने का वक्त मिल गया, इसको कंकॉक्ट करने का वक्त मिल गया. जहां एक एक चीज में वक्त मिल जाए सोचने का या कंकॉक्ट करने का, वो रेस जस्टि नहीं होता. So please remember the one very important aspect of res justi is कि वो statement, वो act, anything जो transaction का part हो, transaction के बाद कितना कम हो तो चाहे time, कितना भी time lag कम हो, अगर उसके बाद होता है तो वो corroborative evidence हो सकता है section 157 में, पर वो res justi नहीं है. Please remember जैसा कि मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन का पार्ट बनना एक सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है. रेस जस्टी के बेस पे सीधा जजमेंट दिया जा सकता है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. इसीलिए प्लीज रिमेंबर रेस जस्टी का क्योंकि सैंक्टिटी बहुत हाई है, इसके अंदर कोई भी डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है. डाइल्यूशन कैसे हो सकता है, सोचने का वक्त मिल गया. सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर फॉर a res justi to be a res justi, it must be spontaneous, it must be contemporaneous, it must be immediate. So agar ye cheeze nahi hai, I would just like to go through a judgment of Supreme Court. Main padhna chahunga taki aapko clear ho jaye. Ye judgment hai G Vijay Vardhan Rao versus State of Andhra Pradesh, 1996 Supreme Court. Is case mein Supreme Court ne, main verbatim padhna chahunga. The principle of law embodied in Section 6, Indian Evidence Act, is usually known as the rule of res justi, recognized in English law. The essence of the doctrine is that a fact which, though not in issue, is so connected with the fact in issue as to become a part of the same transaction. This rule is, roughly speaking, an exception to the general law of hearsay evidence. The rationale in making res justi admissible under Section 6 is on account of the spontaneity and immediacy of such statement or fact. But if there is an interval, however slight it may be, which was sufficient enough for fabrication, then the statement is not a part of res justi. यानी कि जहां पे मेरे को सोचने का वक्त मिल गया वो रेस जस्टी का पार्ट नहीं हो सकता. जहां पे फैब्रिकेट करने का, जैसे कि मैंने बोला बेडिंग फील्ड वाला मामला, जहां जज ने कहा उसको गला कटा था, वो बाहर आके उसने बोला कि हैरी ने मेरा गला काटा है,
हो सकता है जैक ने काटा हो, पर उसने हैरी से दुश्मनी थी, उसने हैरी का नाम ले दिया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ एक अभी मैंने एक लाइन पढ़ी थी दैट इट इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे। ऐसा क्यों बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? इसका बैकग्राउंड है एक जजमेंट, आर वर्सेस फॉस्टर, 1834 का जजमेंट है ये। इस केस में क्या हुआ था, एक आदमी सड़क के किनारे बैठा था, नीचे थोड़ा नीचे डिच थी उसके अंदर बैठा था, एक तेज गाड़ी गई और जोर की आवाज आई और एक चिल्लाने की आवाज आई। वो उठा, एक नीचे डिच थी उसको दिखता नहीं था, वहां से उसमें से बाहर आया, सड़क पे आया और भागा गया, देखा एक आदमी गिरा पड़ा। उस आदमी ने कहा कि ये कार ने मेरे साथ एक्सीडेंट करके गई है, कार चली गई थी। अब इस जो ये गवाह था उसने खुद अपनी आंखों से एक्सीडेंट होते नहीं देखा था, बट उसने तेज कार जाते देखी थी और इमीडिएट आवाज सुनते ही वो एकदम उठ के भागा गया था। अब यहां पे उसने खुद नहीं देखा एक्सीडेंट, पर इस चीज को आर वर्सेस फॉस्टर में रेस जस्टी माना। क्यों? इसको सोचने का टाइम नहीं था, स्पॉन्टेनियस कंटेम्परेनियस इमीडिएट रिएक्शन था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज टेकन एज रेस जस्टी। इसका एक हमारे पास इंडिया में सेम इसका एग्जाम्पल मिलता है, एक केस आया था रतन सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही पॉइंट अप्लाई किया। गोली चली, सुनते ही एकदम एक औरत की आवाज आई, उसी टाइम जो नेबर था वो दीवार कूद के फट से इसके घर आया, देखा कोर्ट यार्ड में वरांडे में ये लेडी को गोली लगी हुई है और वो मर रही है, और उसने बताया फला फला ने मुझे गोली मारी। अब उसने गोली मारते हुए नहीं देखा था पर बिल्कुल पास था, गोली चलने की आवाज आई, सुनते ही वो एकदम कूदा और देखा ये औरत गिरी हुई है, और अब वो उसने बोला एक्स मुझे गोली मार के चला गया। सुप्रीम कोर्ट टुक दिस एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टी। सी जब हम कहते हैं टुक इट एज अ पार्ट ऑफ रेस जस्टी, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज प्रूव हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू हाईएस्ट होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो आई विटनेस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं, क्योंकि मौके पे होते हैं वो लोग, इसलिए आई विटनेस को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर आई विटनेस इंजर हो जाए तो रेस जस्टी का पार्ट बन गया, इसीलिए उनकी गवाही का इतनी वैल्यू होती है। सपोज लेट्स टेक यही मामला, जहां पे जो आदमी ने सुना गोली लगी है, औरत गिरी हुई है, वो कूद के गया, औरत ने कहा मुझे एक्स ने गोली मारी है, शोर सुन के बाद में और 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा, पूछा जो नेबर था कूद के गया, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा एक्स ने इस औरत को गोली मारी है। अब कायदे से ये हेयर से एविडेंस है, क्योंकि उन्होंने किसी ने नहीं देखा था, और अब ये नेबर कह रहा है कि जी लड़की कह रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एडमिसिबल है? यस। जब हम सेक्शन 157 में जाते हैं, तो अगर कोई रेस जस्टी के एविडेंस दे रहा है और उसी टाइम पे उसने किसी और को भी ये बात बताई, थोड़े ही टाइम इंटरवल में, एट और अबाउट द टाइम लिखा है 157 में, तो वो अब कोरोबरेट कर सकते हैं। यानी नेबर, सपोज नेबर को एन मान लेते हैं, एन की जो गवाही होगी कि सर मैं जैसे सुना मैंने गोली, मैं कूद के गया, वो लेडी मर रही थी, उसने कहा एक्स मुझे गोली मार के गया है, और 5 मिनट बाद 100 लोग इकट्ठे हो गए, सबने मेरे से पूछा क्या हुआ, वो 100 लोगों में से अगर 10 लोग ये गवाही देते हैं कि हाँ हमने उसी वक्त एन से पूछा और एन ने कहा कि एक्स गोली मार के गया है, इन 10 लोगों का एविडेंस करोबरेट कर सकता है एन के एविडेंस को। सो प्लीज रिमेंबर, रेस जस्टी का जो एविडेंस है उसको करोबरेट कर सकते हैं हम सेक्शन 157 में। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट। एक चीज और है, सेक्शन 6 की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 6 में पहली बात तो यह कि रेस जस्टी वर्ड यूज नहीं है। क्यों? रेस जस्टी हम एक ट्रांजैक्शन पे तो लगा सकते हैं, पर यहां पे ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। सेक्शन 6 डील्स विद टू एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट है
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने बोला ए ने बी को गोली मारी। दूसरा ट्रांजैक्शन है जिसको इलस्ट्रेशन बी में यूज किया गया है, जिसका नाम है जनरल ट्रांजैक्शन। सपोज ए ने एक कॉन्स्पिरेसी की बी सी डी के साथ कि एग्जैक्ट इस डेट को, सो एंड सो डेट को 5 बजे तुम मुंबई में धमाके करो, बम ब्लास्ट करो, मैं चेन्नई में करता हूं, डी जो है वो दिल्ली में करे और सी जो है वो कोलकाता में करे। 5 बजे सब जगह बॉम्ब चलते हैं। गुड इवनिंग पल्लवी। 5 बजे सब जगह बॉम्ब चलते हैं। अब 5 अलग जगह हैं, अलग अलग लोग हैं। अब ये एक ट्रांजैक्शन मानी जाती है, इसको हम कहते हैं जनरल ट्रांजैक्शन। ये जनरल ट्रांजैक्शन वर्ड यूज्ड है इलस्ट्रेशन में। याद रखना, इलस्ट्रेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन, ऑलवेज। अब जहां हम ये देखते हैं कि एक जनरल ट्रांजैक्शन है, तो जनरल ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन कैसे माने हम? हाउ विल वी से दैट अ जनरल ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन? तो याद रखना, जनरल ट्रांजैक्शन को हम ट्रांजैक्शन इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें प्रॉक्सिमिटीज होती हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम। सपोज हमने 5 बजे कहा था सारे बॉम्ब ब्लास्ट 5 बजे करेंगे और 5 बजे मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में इकट्ठे धमाके होते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, ट्रांजैक्शन जुड़ गया, टाइम से जुड़ गया। प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, हमने एक एरिया में 5 जगह बॉम्ब लगा दिए, आसपास पास पास लगा दिए। प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस। तीसरा, प्रॉक्सिमिटी ऑफ पर्पस। जब मैं पर्पस की बात करता हूं, हमारी कॉन्स्पिरेसी क्या थी? बॉम्ब ब्लास्ट करने की, इंडिया में दहशत फैलाने की। तो वो जो एक हमारी कॉन्स्पिरेसी, तो हमारा पर्पस एक था। सो प्लीज रिमेंबर, जनरल ट्रांजैक्शंस किन चीजों से जुड़ी होती हैं? प्रॉक्सिमिटी से। वो प्रॉक्सिमिटी टाइम की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है, या फिर पर्पस की हो सकती है। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 6 में क्या है। सो प्लीज रिमेंबर, सेक्शन 6 बेसिकली डील्स With transactions. So, ये गलत होगा कहना कि सेक्शन 6 सिर्फ रेस जस्टी से डील करता है। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, रेस जस्टी का वर्ड नाम भी यूज नहीं हुआ, सेक्शन 6 में कहीं नहीं लिखा है। इट इज एन इंग्लिश, आई टोल्ड यू इट्स एन इंग्लिश कंसेप्ट, बट अब यहाँ पे एक ब्रॉडर व्यू लिया गया ट्रांजेक्शन का इन आवर सेक्शन 6। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन हैं। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, ए वर्सेस बी वाला जो पहले हमने डिस्कस किया मर्डर का, और दूसरा हो सकता है जनरल ट्रांजैक्शन। जनरल ट्रांजैक्शंस, एज आई टोल्ड यू, आर कनेक्टेड विद प्रॉक्सिमिटीज। दिस प्रॉक्सिमिटीज कैन बी ऑफ प्लेस, टाइम और पर्पस एंड डिजाइन। नाउ सेक्शन 6 का जो एविडेंसेस है उनकी, जैसा कि मैंने बोला, प्रोबेटिव वैल्यूज मैक्सिमम होती है। और इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मेन ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं। स्ट्रेट वे अ जजमेंट, अगर कोई रेस्ट जस्टिस बिल्कुल सी, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये रिलायबल है? क्योंकि हम उसको पास करते हैं थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी रेस्ट जस्टिस के एविडेंस को तोड़ नहीं पाया, अगर मैं उसको रॉन्ग प्रूव ना कर पाया और ये प्रूव हो गया कि ये एविडेंस सच्चा है, तो याद रखना कि रेस्ट जस्टी में इतना दम होता है कि वो उसके बेस पे एक जजमेंट सीधा आ सकती है। गुड इवनिंग अशिवाल। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। सो व्हाई, पहला हमने जस्ट जल्दी से सम अप कर लें, ट्रांजैक्शन अ थिंग डन, रेस्ट जस्टी, तो सेक्शन 6 ट्रांजैक्शन से डील करता है। दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट वी कॉल जनरल ट्रांजैक्शंस। दूसरा, रेस जस्टी मींस बेसिकली लैटिन टर्म है, अ थिंग डन। तीसरा, रेस जस्टी क्योंकि मेन इंसिडेंट से जुड़ा होता है, उसकी प्रोबेटिव एविडेंशरी वैल्यू मैक्सिमम होती है। चौथा पॉइंट, रेस जस्टी इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस। इसका हमारे पास शुरुआत होती है आर वर्सेस फॉस्टर से,
जिसके अंदर पहली बार ये हुआ कि इवन अगर मैंने नहीं देखा पर मेरे पास सोचने का मौका नहीं था कि मैं उसको फैब्रिकेशन ला पाऊं, दैट कैन बी टेकन एज रेस जस्टिस। और इसका मैंने एक इंडियन एग्जाम्पल भी देखा, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक एक तरफ हमारे पास आर वर्सेस बेडिंग फील्ड है, बहुत पुराना है जजमेंट, जहां पे इवन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के भी उसने अलाउ नहीं किया। पर वो फिर एक बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि जहां पे सोचने का मौका मिल जाता है, कंकॉक्शन का मौका मिल जाता है, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलता। पर जहां कोई मौका ही नहीं था मेरे पास सोचने का, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, मैं मौके पे पहुंच गया, चाहे मैंने नहीं देखा, एक्सीडेंट मैंने नहीं देखा था, पर मेरे सामने तेज गाड़ी गई थी और आवाज आई थी मुझे एक्सीडेंट की, तो अब मैं मान सकता हूं कि इस जो मेरे को वो मरता हुआ आदमी बोल रहा था कि इस कार ने मेरे साथ एक्सीडेंट किया है, उसको हम सही रेस जस्टी मान सकते हैं। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन टुडेज लेक्चर, वी हैव रन थ्रू टाइम, आई होप सबको समझ आ गया होगा। एंड प्लीज मेक योर नोट्स, रेस जस्टी पे बहुत बार मेंस का क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है रेस जस्टी पे। आई होप ऑल ऑफ यू and lot of questions have come on prelims also. कई बार तो यही आ जाता है कि exact meaning क्या है res gestae का, a thing done. We'll stop here. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless you all. An Academy. Let's crack it.